ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, झोपड़ी, खेत खलियान, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, एक्सीडेंट हो जाए तो जो घायल को लेकर जाएगा उसको 5100 रुपये की सहायता, कोई सेक्टर आप मुझे बता दो जो बचाओ। बजट कभी कांग्रेस और बीजेपी में तोल कर नहीं देखा जाता, लेकिन हिंदुस्तान में अब वो वक्त आ गया है जब ये फैसला हो जाना चाहिए। एक तरफ गहलोत सरकार का बजट है दूसरा, और दूसरी तरफ मोदी सरकार का बजट है। मेरी खुली चुनौती है बीजेपी के नेताओं को, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप लगेगा इन बीजेपी वालों को। आप बताओ, पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ा दी, आज़ादी के बाद पहली बार इतनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। जब क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ता हो रहा तब आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल डीजल महंगा कर रहे हो, और पाप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए आपने। सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी, 300 रुपये सिलेंडर पर बढ़ा दिए, हर चीज़ महंगी हो गई। महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यदि बीजेपी के नेताओं में दम है, प्रदेश वालों में, जहाँ चाहे वहाँ बहस करने को तैयार हूँ। ये फेल हो जाएंगे। अंदर मैं जब बोलता हूँ गैस सिलेंडर पे एक आदमी खड़ा नहीं होता, आग नहीं लगती इनके, इनकी आत्मा मर चुकी है बीजेपी के नेताओं की। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, थोता चना बाजे घना, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है थोता चना यदि कोई है तो बीजेपी की सरकार है, मोदी जी हैं। उनको किसान का दर्द दिखाई नहीं देता, 250 किसानों की मौत दिखाई नहीं देती, उनको गैस सिलेंडर की महंगाई दिखाई नहीं देती, उनको पेट्रोल डीजल की महंगाई दिखाई नहीं देती। हिंदू और मुसलमान में दंगे कराओ, आग लगाओ, झगड़ा करवाओ और वोट ले जाओ। गहलोत सरकार और मोदी सरकार में अंतर है। अशोक गहलोत काम के आधार पर, अपने घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट के आधार पर, जनता के दुख दर्द को समझकर, उनकी समस्याओं के समाधान के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। और एक बात आप तय कर लीजिए, इस देश में सरकार हमारी हो या बीजेपी की, लोगों की मॉरल ड्यूटी बनती है कि नज़रिए को समझे, एक तराजू में हमारी सरकार को रखे, एक में मोदी सरकार को रखे, तोले परखे और देखे वादे किसने पूरे किए। यदि हमने वादे पूरे किए तो हमारे साथ खड़े हो, और इन्होंने वादे पूरे किए तो इनके साथ खड़े हो। इन्होंने तो एक भी वादा पूरा किया नहीं, और ना ये करेंगे। इनका एजेंडा फिक्स है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ाओ। पहली बार ये एजेंडे में पिट गए। मुख्यमंत्री जी की रिप्लाई में बजट खास है, ऐतिहासिक है, वो अगला जादूगर है, हर बार जादू नजर आता है। अब जादूगर का जादू कभी दिखाई तोड़ना देता है, जादूगर का जादू तो सिर चढ़ के बोलता है, और वो सिर चढ़ के बोलने लगा है। आप चिंता मत करो, ये बीजेपी साफ हो जाएगी राजस्थान से। इनका तिलिस्म टूट रहा है, इनका झूठ ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति बीजेपी ने की, अब ये बीजेपी चलेगी नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो हमसे क्या सीखेंगे, हम तो सब सीखते हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तीसरी बार तो सीएम है, उम्र में भी सीनियर है सबसे, तो वो इस बार ये साबित हो गया कि अगला आदमी सर्वमान्य नेता है राजस्थान का। हर गली, हर मोहल्ले को, हर दर्द को, हर परेशानी को समझता है, समझ के काम करता है। आज भी यार ये तो मॉडल स्टेट है राजस्थान, फ्री दवा के मामले में आप मानते हो, ये तो फ्री दवा यहीं से शुरू हुई, फ्री जाँच यहीं से शुरू हुई, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन यहीं से शुरू हुई, ये तो यहाँ से निकले हुए काम हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है। इसलिए जादूगर की जादूगरी फिर सिर चढ़कर बोलेगी। बीजेपी जमीन छोड़ चुकी है, इनके नीचे से जमीन खिसकी हुई है, अंदर की लड़ाई में फंसी हुई है। वसुंधरा जी का कॉप इनको भोजन इनको झेलना पड़ रहा है, और अब वक्त आ गया है जब ये खुद आगे बढ़कर वसुंधरा जी को मिठाई परोस रहे हैं, राजी कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर के अंदर झगड़ा बहुत भारी है। और वो झगड़ा आंदोलन करते हुए ये निपटाते, आंदोलन में भीड़ जुटा नहीं पा रहे, सब चुनाव ये हार गए, विपक्ष की भूमिका निभा नहीं रहे, इधर उधर की बात करते हैं लेकिन झूठी बात करते हैं। अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। बजट में हम आगे हैं, काम में हम आगे हैं, सच्चाई और ईमानदारी में आगे। बिल्कुल, वो लड़ाना सबका हक है, उनको लड़ाना चाहिए, और मैं ये मानता हूँ कि हर पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में आकर चुनाव लड़ती है, और ये चुनाव लड़ना उनका अधिकार। सर, एनसीईआरटी की एक किताब है इतिहास की, उसमें ये लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने पहले मंदिर तोड़े और मंदिरों के लिए बाद में ग्रांट दिया, पर जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई लगाई तो एनसीईआरटी कहती है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से एनसीईआरटी का सारा इतिहास का काम जो टेक्स्ट हुआ है वो एक आइडियोलॉजी से प्रभावित था, क्या कहेंगे आप कांग्रेस की सरकार के टाइम? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए,
कि ये जो एनसीईआरटी का ये जो पाठ्यक्रम का मामला है, ये मामला ऐसा है कि जिसमें हिस्ट्री को प्रदर्शित करना हिस्टोरियन का काम है, वो उनको ईमानदारी के साथ हिस्ट्री रखनी चाहिए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इस सरकार ने महाराणा प्रताप के स्मारक के लिए 17 करोड़ रुपए दिए। ये राजस्थान की धरती है, आन बान और शान की धरती है, ये गौरव की धरती है, ये तो भक्ति और शक्ति की धरती है। यहाँ जब महाराणा प्रताप लड़ने जाते हैं तो उनकी सेना का सेनापति हाकिम का सूरी एक पठान मुसलमान होता है, एक भील राणा पुंजा होता है, एक राजपूत एक भामाशाह वैश्य समाज का होता है। तो यहाँ तो सब मिलकर आन बान शान और अपनी धरती के गौरव के लिए लड़ते हैं, तो इस धरती की तो पूजा होती है। इसलिए हम हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा करके, सिख ईसाई के नाम पर बंटवारा करके हिंदुस्तान की ताकत को नहीं देखते। हम तो हिंदुस्तान की ताकत को इतना ही देखते हैं कि हम सब मिलकर एक पावर है और तिरंगा हमारी शान है। गलत कोई तथ्य आ गया है तो एनसीईआरटी को उस पर देखना चाहिए। प्रताप सिंह खासरियावास समाज में फैल रहा, आपने जैसे बताया आप भी इसको शिकार हो चुके, आपको लगता है लोगों को अवेयरनेस, क्योंकि थोड़ी लापरवाही आ गई, लोगों को लगा कोरोना गया, जबकि कोरोना गया नहीं है, ये तो मीडिया है जो बार बार दिखाता है, तो लोग डर जाते हैं फिर सावधान हो जाते हैं। आप बात करेंगे सीएम से? स्कूल मैं सीएम साहब से स्कूल को यूनिवर्सिटी बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा।